हेलो फ्रेंड्स, किरण क्रिएटिव क्राफ्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको ये पर्स बनाने सिखाऊंगी। देखिए, इसमें यहाँ एक छोटा सा जीपर पॉकेट बनाई हूँ। आप इसमें कॉइन्स रख सकते हैं और इसमें दो ओपन पॉकेट बनाई हूँ। और आगे के साइड में एक जीपर पॉकेट बनाई हूँ। और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए पर्स बनाने शुरू करते हैं। पर्स बनाने के लिए ये मैं कपड़ा ली हूँ। देखिए, इसका लंबाई 13.5 इंच है और चौड़ाई है 9 इंच। इसी के साइज का एक अस्तर लेना है। देखिए, मैं कैरी बैग से ये अस्तर कटिंग करी हूँ। अस्तर को कपड़े के नीचे रखकर चारों साइड से सिलाई लगा देना है। देखिए, चारों साइड से सिलाई लगा दी हूँ। इसके बाद इसी के साइज का एक कपड़ा लेंगे लाइनिंग के लिए और एक जिप लेंगे। देखिए, कपड़ा सीधा रहेगा। जिप को कपड़े के ऊपर उल्टा रखकर सिलाई लगा देना है। जिप सिलाई कर दी हूँ, ऊपर से बैठने वाला सिलाई लगा दी हूँ। इसके बाद लाइनिंग वाला कपड़ा जिप के ऊपर इस तरह से रखकर यहाँ से इस तरह रखकर सिलाई लगा देना है। देखिए, लाइनिंग में जिप सिलाई कर ली हूँ, ऊपर से बैठने वाला सिलाई लगा दी हूँ। इसके बाद इसको इस तरह से रखकर इधर से फोल्ड करके इस तरह रख लेंगे और ऊपर से फ्लैप बनाएंगे। देखिए, इधर से 5 इंच और इधर से 5 इंच पर मार्क लगा ली हूँ। देखिए, इस तरह से मार्क लगा लेंगे। यहाँ से इस तरह फ्लैप बनाएंगे। देखिए, इसको इस तरह से रखकर ये जो 5 इंच पर मार्क लगाए हैं यहाँ पर सिलाई लगा देना है। देखिए, सिलाई लगा दी हूँ। देखिए, दोनों साइड भी सिलाई लगा दी हूँ इस तरह से। देखिए, ये पॉकेट बन गया है। इसके बाद दूसरा पॉकेट बनाने के लिए एक ऐसा कपड़ा लेंगे। देखिए, इसका चौड़ाई 9 इंच है और लंबाई 5.5 इंच है। देखिए, नीचे से थोड़ा फोल्ड करके इसको सिलाई लगा देना है और ऊपर से भी थोड़ा सा फोल्ड करके सिलाई लगा देना है। देखिए, सिलाई लगा दी हूँ। देखिए, एक पॉकेट सिलाई कर ली हूँ। ये लाइनिंग कपड़ा पकड़कर इसको इस तरह रख लेना है। लाइनिंग कपड़े में दूसरा पॉकेट सिलाई करेंगे। लाइनिंग के ऊपर पॉकेट को रखकर तीन साइड से सिलाई लगा देना है। देखिए, तीन साइड से सिलाई लगा दी हूँ। दूसरा पॉकेट बनकर कंप्लीट हो गया है। देखिए, सिर्फ लाइनिंग वाला कपड़े में सिलाई लगाई हूँ। एक यहाँ छोटा पॉकेट बनाएंगे। के लिए एक ऐसा कपड़ा लेंगे। देखिए, इसका लंबाई है 4 इंच और चौड़ाई है सेम साइज का। देखिए, इधर से 1 इंच पर मार्क लगाएंगे और इस साइड से भी 1 इंच पर मार्क लगाएंगे और सेंटर से भी 1 इंच पर मार्क लगाकर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, ये लाइन ड्रॉ किए हैं, इसको इस तरह से कटिंग कर लेंगे। इसके बाद इसमें जिप लगाएंगे। देखिए, कपड़े के ऊपर जिप को इस तरह से उल्टा रख लेंगे और यहाँ से सिलाई लगा देंगे। देखिए, जिप सिलाई कर ली हूँ, ऊपर से बैठने वाला सिलाई लगा दी हूँ और जो 1 इंच का कपड़ा कटिंग करके निकाली हूँ
इसको जिप के ऊपर इस तरह रख कर सिलाई लगा देना है, और ऊपर से बैठने वाला सिलाई लगा देना है। देखिए जिप सिलाई कर ली हूँ, ऊपर से बैठने वाला सिलाई लगा दी हूँ। इस पॉकेट को भी अस्तर में सिलाई करना है। देखिए ये दूसरा पॉकेट सिलाई किए हैं। देखिए तीसरे पॉकेट को यहाँ इस तरह से रख लेंगे, फिर नीचे से थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड करके यहाँ से सिलाई लगा देना है, और ऊपर से भी थोड़ा सा फोल्ड करके यहाँ से सिलाई लगा देना है। दोनों साइड भी यहाँ से सिलाई लगा देना है। देखिए यहाँ सिलाई लगा दी हूँ, और यहाँ से भी सिलाई लगा दी हूँ। एक छोटा पॉकेट ये बनकर कंप्लीट हो गया है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा जिप है, इसको कटिंग करके निकाल देंगे। इसके बाद इसको इस तरह से रखकर इसको फिनिश करेंगे। देखिए ये 5 इंच पर मार्क लगाए हैं, यहाँ इसको इस तरह से रख लेंगे। फिर यहाँ से एक सिलाई लगा देना है, और यहाँ से एक सिलाई लगा देना है। देखिए दोनों साइड सिलाई लगा दी हूँ। इसके बाद इसमें मैग्नेटिक बटन लगाएंगे। देखिए सिर्फ इस अस्तर में लगाना है, इसमें नहीं लगाना है। देखिए यहाँ से थोड़ा सा फोल्ड करके यहाँ थोड़ा सा कट लगा देना है। देखिए बटन को कट में इस तरह लगा लेना है। देखिए ये बटन का पीछे का प्लेट है, इसको इस तरह से इसमें लगा लेंगे, और इसको इस तरह से अच्छे से दबाकर बंद कर लेंगे। देखिए इस तरह से बटन लग गया। इसके बाद इसमें बटन लगाएंगे। देखिए इसको इस तरह से रखकर मार्क लगा लेना है। देखिए जीप को खोल लेना है, और इस तरह से पकड़कर ये जो मार्क लगाए हैं यहाँ पर थोड़ा सा कट लगा देना है। और बटन को इस तरह से कट में लगा लेंगे। इसके बाद ये बटन का जो प्लेट है, देखिए इसको इस तरह से इसमें लगा लेंगे, और अच्छे से दबाकर इसको बंद कर लेंगे। देखिए इस तरह से बटन लग गया है। इसके बाद इसके कॉर्नर से 1 इंच पर मार्क लगा लेंगे, थोड़ा सा राउंड शेप में मार्क लगा लेंगे। फिर इसको राउंड शेप में कटिंग कर लेंगे। फिर इसको इस तरह से फोल्ड करके दूसरी साइड भी राउंड शेप में कट लगा देना है। इसके बाद इसमें पाइपिंग लगाने के लिए ऐसा एक कपड़ा लेंगे। इसका चौड़ाई है 2 इंच। देखिए यहाँ से थोड़ा सा फोल्ड करके और इस तरह से कपड़े को रखते हुए तीनों साइड से सिलाई लगा देना है। देखिए थोड़ा सा फोल्ड करके सिलाई लगा दी हूँ, और तीनों साइड भी सिलाई लगा दी हूँ, और यहाँ भी थोड़ा सा फोल्ड करके सिलाई लगा दी हूँ। इसके बाद कॉर्नर पर छोटा छोटा इस तरह से कट लगा देना है, और दूसरी साइड भी इसी तरह छोटा छोटा कट लगा देना है। फिर इसको
इस तरह से कर लेंगे। फिर यहाँ से कपड़े को थोड़ा सा फोल्ड करते हुए यहाँ तक सिलाई लगा देना है। फ्रेंड्स देखिए पाइपिंग सिलाई कर ली हूँ। देखिए एक छोटा सा जीपर पॉकेट यहाँ है, इसमें आप कॉइन्स रख सकते हैं। और यहाँ दो ओपन पॉकेट है और यहाँ एक जीपर पॉकेट है, आप इसमें कार्ड रख सकते हैं। देखिए इस तरह से पर्स बनकर कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स आपको मेरा पर्स पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।